मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे हूँ वैभव इस वक्त, और जैसा कि सुचरता तस्वीर दिखा रही थी, कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। यहाँ पर भी देखिए संजीव तस्वीर दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, हालांकि मनाही है यहाँ पर किसी के खड़े होने की, बार बार पुलिस वाले लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों किया सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए, तो इनसे ही बात करती हूँ, क्यों देखना चाहते हैं पीएम को? पीएम ने हमारे बनारस में जितना काम किया बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए सारी जनता यहाँ जाती है, यहीं की क्या पूरे देश की जनता चाहती है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ से, तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ से। आगे कुछ लोग हैं, मैं इनसे एक बार बात करती हूँ, थोड़ा हटिएगा भैया, साइड होइएगा। प्रधानमंत्री नामांकन तीसरी बार यहाँ से कर रहे हैं और आप लोगों को देखने के लिए खड़े हुए हैं जी, क्यों देखना चाहते हैं? खाली देखेंगे ही तो दूर से क्या हो जाएगा उससे? हमारा मतलब वो बढ़ जाएगा, मतलब क्या हम आपको बताएं क्या बढ़ जाएगा, मतलब देखने के लिए खाली मतलब क्या बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा कहने मतलब इज्जत, मतलब खुद पे एक इज्जत उत्साह है एक देखने के मतलब लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी नजर में ऊंचे हो जाएंगे कि आपने प्रधानमंत्री को देखा है, क्यों खड़े हैं भैया यहाँ पर इतनी देर? मैम प्रधानमंत्री को देखने के लिए सभी लोग यहाँ खड़े हैं, और बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वरना इससे पहले तो कोई नहीं आता था, कोई वाराणसी नहीं आता था इससे पहले, आते थे लोग आते थे, और आज हम देखने के लिए इसलिए खड़े हैं ताकि वो हमारे इंस्पिरेशन है, उनसे हम देख के बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और हमारे इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ कराया है, स्टूडेंट्स के लिए कराया, यूथ के लिए कराया। आप क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, इतनी दूर से देख लेंगे क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और हम अपने प्रधानमंत्री का जो है स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, आज उनका नामांकन है और वाराणसी नगरी में आए हुए हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि जो है हम एक बार अपना फेस टू फेस उनको देखें, और देख करके जो एक उत्साह मिलता है वो हम जो है एक उत्साह के लिए। तीसरी बार सांसद बन जाएंगे यहाँ से प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली बनेंगे, और हमेशा वो बनते ही रहेंगे, हमेशा ही बनते रहेंगे, जब तक यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तब तक यहाँ से बनते रहेंगे जी। ऐसा क्या है काशी के लोगों के लिए, ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने कि बार बार उनको जिताएंगे? अरे बहुत सारा काम किए हैं मोदी जी। हाँ। कुछ मुझे बताइए तो, मुझे नहीं ध्यान है। अरे क्यों, आपको नहीं पता है? आप बताइए क्योंकि आप काशी के रहने वाले हैं। अभी दुगुना वोट से इस बार चुनाव जीते हुए। शुक्रिया। पहले जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को और भी अच्छे से उन्होंने जो है सजोया है, संवारा है, और काशी में जो लोकेलिटीज़ जो थी, जो हमारे जो संस्कृति थी, उस चीज़ को और भी अच्छे से उन्होंने जो है ना दिखाया है। तो है। मैं वापस यहाँ लोगों से बात का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे, हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। उनको जवाब इस देश की जनता देगी यहाँ पर, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है, मुख्यमंत्री जी गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है यहाँ पर, एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे और रामदास अठावले दोनों जो कि इस नामांकन के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री के। अठावले जी क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा इस नामांकन के बाद और बुलाया? तो मतलब एक तो हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार, तो ये 400 पार हम करने वाले हैं। हमेशा गंभीरता से उन्होंने निभाया, ऐसे में उनका नहीं रहना और चुनाव के दौरान उनका जाना यकीनन उनकी कमी हमेशा खलेगी जी। बिल्कुल चिराग पासवान, एक मिनट की करके इस वक्त हमारे साथ में चिराग पासवान जी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ, चिराग जी से हम पूछेंगे। चिराग जी, प्रधानमंत्री अपना नामांकन करके तुरंत अभी यहाँ से निकले हैं, क्या कुछ? नहीं बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे, और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है, ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है एकजुटता। ये एनडीए का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था ये? आप इसको शक्ति प्रदर्शन बोल लीजिए, मैं इसको मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल। 400 पार यकीनन। बिल्कुल, तो चिराग पासवान को भी आपने सुना जो साफ तौर पर 400 पार का पुख्ता यहाँ संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय उमेश के साथ सुशी पांडे, रिपब्लिक भारत।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। एकनाथ जी, इस नामांकन के बाद क्या चुनाव की तस्वीर और बदलेगी? ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है, आज काशी में यहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। जो देश में ने दुनिया में सबसे पॉपुलैरिटी पे नंबर एक पे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन हो रहा है, इससे देश भर में खुशी का माहौल है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। महाराष्ट्र की सीटें, महाराष्ट्र हमारा मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे, 400 पार भी सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जो कि नामांकन के लिए पहुंचे हैं और खास रिपब्लिक भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा 400 पार मिशन है, पूरा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और देखिए कैसे ये सभी लोग अपने मोबाइल के कैमरे में उनकी एक तस्वीर कैद करना चाहते हैं। भले ही प्रधानमंत्री इनसे दूरी पर हो, लेकिन उसके बाद भी देखिए इनका उत्साह नहीं कम हो रहा है और अपने मोबाइल में तस्वीर कैद करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री को एक बार देख सके। प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके देख लिया। अभी कहाँ देखे, देखने के आसपास देखा, अभी नहीं देखा। बेटा के लिए खड़े हैं, काशी के बेटे के लिए खड़े हैं। अच्छा, क्या किया है काशी के बेटे ने काशी के लिए? अरे बहुत कुछ किया है, इतना कर दिए कि उतना कोई किया ही नहीं आज तक। तीसरी बार नॉमिनेशन कर दिया है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 लाख वोट से विजयी होंगे, 5 लाख, 5 लाख से जिताएंगे, 5 लाख से। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाएं, इसके लिए आप क्या करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे? सबको प्रताड़ित करेंगे हम लोग, सब लोग बैठा के ले जाएंगे, लोगों को वोट डलवाएंगे। अब की बार 400 पार करना है, 400 पार करना है। हाँ, बहुत लोग तो कह रहे हैं 400 पार के 450 हो जाएगा। अरे 450 हो जाए, अति उत्तम है, अति उत्तम है। अब राहुल को शादी ब्याह करना चाहिए, कहाँ है इस सब के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, तो उनकी शादी की उम्र हो गई है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे आप क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका काम खत्म हो गया, वो अपना रायबरेली बचाए पहले जाके। अच्छा, रायबरेली बचाए, आप कुछ कह रहे हैं पीछे बताइए। नहीं नहीं, हम कुछ कह नहीं रहे, बोल दीजिए इधर कैमरे पे आके, बोल दीजिए कुछ कह रहे थे आप। अरे वो अगर बन गया तो अब कुछ नहीं हो सकता है भारत का। इस बार सिर्फ मोदी जहाँ 400 पार 500 पार हो जाए। अच्छा, हर जगह सिर्फ मोदी छाएंगे, हर जगह मोदी। अच्छा, यो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने क्या गए, इसको भी इवेंट बना दिया उन्होंने। इवेंट तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ इवेंट हो जाएगा। हाँ, जनता उनके लिए एकदम उत्साहित है, उत्साहित जहाँ आप उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लिए धूप में खड़े हम लोग हैं, धूप में खड़े हैं प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं। बिल्कुल उन्हीं के लिए, क्यों जिताना चाहते हैं उनको? अरे वो महान शक्ति है सर, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। वो सबसे बड़ा घटिया आदमी केजरीवाल है, उसको तो हटा देना चाहिए। भ्रष्टाचार, अरे महे भ्रष्टाचारी है। अच्छा, आगे आइएगा जरा, केजरीवाल तो जेल से बाहर आ गए हैं और 1 जून तक प्रचार करेंगे। अरे तो वो तो बहुरुपिया है, वो तो बाहर आ गए हैं, फिर 21 को फिर चले जाएंगे, 22 तारीख को, और 22 तारीख को आएंगे, फिर उसके बाद तो उनका कब तक रहेंगे अंदर कोई बता नहीं सकता। अच्छा, आजा तो देखिए केजरीवाल को लेकर भी वाराणसी के लोग बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहना है लोगों का, आ रही हूँ भैया बात कर रही हूँ, ब्रेक ले लूँ, आ रही हूँ, ब्रेक के बाद लौट रहे, फिर लोगों से बात करेंगे।